हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीटेट से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला था और आज जो है तारीख भी हो चुकी है 20 अक्टूबर के बाद की। तो आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर का एग्जाम तो होना ही है, साथ में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैंने सब कुछ आपके कमेंट्स को देखा है, पढ़ा है। जो भी आपके सवाल हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगी सीटेट की क्लासेस से रिलेटेड कि आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका नवंबर से फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीजें जो है मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आपके नोट्स हो गए हैं सब कुछ, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो मैंने चीजें पढ़ाई हुई है आप उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी 6 to 8 के लिए, 6 to 8 तक। रही बात सीटेट दिसंबर 2023, आखिर में इसका विज्ञापन, इसका नोटिफिकेशन आउट क्यों नहीं हो रहा है, एग्जाम की डेट क्या होगी, दिसंबर में हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अब तो समय ही नहीं है, तो बीएड डीलेट के पास अंतिम मौका क्यों है। रही बात फॉर्म स्ट्रेटेजी, बुक्स कहाँ से पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन करके सब पे बात करेंगे। बहुत ही कंसाइज वीडियो है जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में एक बात याद रखना कि सीटेट को क्लियर करने के लिए जितनी जरूरी है आपकी कोई भी क्लास, उससे सबसे ज्यादा जरूरी है सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली और आपने यही नहीं देखा कि आखिर में सीटेट डिमांड क्या करता है, किस चीजें वो क्या चाहता है आपके अंदर, कि इस तरीके की आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, चाहे वो पैडागोजी से हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले याद रखो नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आपने जुलाई में भी देखा था कि अगस्त में, आपको पता है ना पेपर हुआ है 20 अगस्त को, तो इसलिए आपको ये सीटेट का एग्जाम आपका वही एग्जाम डेट मैं पहले बता देती हूँ आपको, 20 दिसंबर के आसपास आपका सीटेट का पेपर होगा। और अभी आप देखिए अक्टूबर चल रहा है, पूरा नवंबर बाकी है, दिसंबर में भी 10 से 15 दिन बाकी है। अगर इस महीने नहीं भी आता है तो भी आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फुल डिटेल सारी चीजें लिखी रहेंगी, सिलेबस क्या है, सब कुछ एज इट इज पहले जैसा ही होता है। तो नोटिफिकेशन वैसे तो आपका जो आने वाला वीक है उसमें आ सकता है सीटेट का, बट इन केस अगर मान लो नहीं आता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। देखो ये फॉर्म को भरवाना है, फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर से, पूरा एक महीने तक फॉर्म चलेगा, पूरा जो है जो भी डिटेल्स होंगी जैसे कि आपका सीटेट पेपर वन हो गया, पेपर टू हो गया, सभी के फॉर्म आप एक साथ भरेंगे और अलग अलग से मत भरना, पैसे ज्यादा पड़ जाते हैं। मान लो आपको सीटेट पेपर वन पेपर टू दोनों देना है तो आप पहले से ही सोच के रखना कि आपको दोनों ही इस बार क्लियर करना है, बस फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, आने वाले वीक में आपको, मैंने आने वाला वीक क्यों बोला क्योंकि ये वीक तो आप जानते ही हैं इसमें बहुत सारी चीजें हो ही रही हैं और अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि इस वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इसीलिए नेक्स्ट वीक तक देखो। और नहीं भी आता है तो भी नवंबर के फर्स्ट वीक तक कन्फर्म है, एग्जाम डेट वही आपका 20 दिसंबर के आसपास ही पेपर होगा और इसी के आसपास आपका बीपीएससी का भी पेपर होना है। नवंबर के फर्स्ट वीक में ही बीपीएससी का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा, बीच बीच में साइमल्टेनियसली मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं कि बस सीटेट को क्लियर करने से नौकरी नहीं मिलेगी, बीपीएससी 6 to 8 का भी फॉर्म भरना होगा। रही बात एग्जाम डेट 20 दिसंबर के आसपास, बीएड डीलेट अंतिम मौका इसलिए है क्योंकि सीटेट का एग्जाम डे बाय डे टफ हो रहा है। पिछली बार का सीटेट का एग्जाम पेपर टू में केवल 1 लाख पास हुए थे एंड पेपर वन का तो आप जानते ही है कि लेवल आसान होता है, फिर भी उतना रेशियो नहीं है जितना होना चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को सीटेट की ओसवाल बुक्स के बारे में बताना चाहूंगी। काफी अच्छी बुक है, स्टूडेंट्स के द्वारा रेकमेंड किया गया है तो मैंने इसको चेक किया पर्सनली, काफी अच्छी बुक है। आप यहां पर देख सकते हो लेटेस्ट वाला है, इसमें आपको 15 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2013 से लेकर 23 तक 1 to 5 के लिए। इंग्लिश मीडियम की ये बुक है, यहां पर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, माइंड मैप तैयार किया गया है ताकि आपको याद रहे, यहां पर जो है आपको टिप्स बताए जाएंगे, साथ में ट्रेंडिंग एनालिसिस भी किया गया है। पर आप देख सकते हो ये पूरा सीटेट का जो टिप्स वाला पोर्शन है आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ये आपका कंटेंट वाला है, बहुत अच्छे से इन्होंने तैयार किया है, साथ में ये सिलेबस 1 to 5 के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लेना। ये आपका एनालिसिस वाला पोर्शन हो गया, ये देखिए इसमें आपको सॉल्व पेपर्स ऐसे मिलेंगे, पेपर वन 20 अगस्त 2023 का ये क्वेश्चंस पेपर है, आप यहां पर ये देख सकते हैं एंड इसी पेपर को यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में ताकि आप समझ पाए कि आखिर में ये इसका आंसर सही क्यों है।
सो ये माइंड मैप्स आप देख सकते हो जीन पियाजे का, बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सो दैट आप इजिली समझ सकें, एंड ओसवाल बुक्स काफी अच्छी है, आप इससे यहाँ से अपनी तैयारी जो है काफी बेहतर कर सकते हैं। तो बीएड डीएलएड जो बीएड वाले हैं वो पेपर टू पे फोकस करेंगे, याद रखिएगा जितने भी बीएड कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कभी भी बदला जा सकता है, इसीलिए जो आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी जो है कन्फर्म है एटलीस्ट आप उस पर फोकस करें। पेपर टू आपको इसलिए भी क्लियर करना चाहिए क्योंकि टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो D3SSB में हो चाहे कहीं भी हो, आपका वहां पर देखा जाएगा। रही बात 6-8 की जो वैकेंसीज आने वाली है, चाहे वो यूपी में आए चाहे बिहार में जो आने वाली है, वहां पर भी आपको पेपर टू चाहिए। तो पेपर टू की वेटेज इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। अब डीएलएड वाले क्या करें, डीएलएड वाले पेपर वन भी भरेंगे और पेपर टू भी भरेंगे। क्यों? पेपर वन से आपको प्राथमिक में मौका मिलेगा और पेपर टू अगर आपका पास हो जाता है तो आप 6-8 जूनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड वाले जूनियर में इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है, तो आप समझ सकते हो। अब रही बात बीएड का कि बीएड वाले पेपर वन भरे या ना भरे, देखिए अभी तो आपको पेपर टू पे फोकस करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि 2-3 वैकेंसीज के रिजल्ट आए जहां पे बीएड वालों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया, ना ही उनको वहां पर वैलिड माना जा रहा है, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है। तो मैं इसीलिए बोलूंगी कि आप पेपर टू पे फोकस करें, पेपर वन पे नहीं, क्योंकि जब यहां का रिजल्ट ही नहीं देंगे, इसके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, तो पेपर वन का फॉर्म भरो या पढ़ो कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी बीएड मेरे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो कि काफी अच्छे से अपने पेपर टू की तैयारी कर ही रहे हैं, SST से मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, चाहे वो डीलेट वाले हों पेपर टू, आप याद रखिएगा बीएड पेपर वन नहीं पेपर टू, और डीलेट को दोनों ही इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि आपको पीआरटी साथ में 6-8 जो आने वाली वैकेंसीज है वहां पर भी आपको जो है अप्लाई करना है। रही बात अंतिम मौका मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए इस बार भी अगर आप चूक गए तो आने वाली वैकेंसी से भी आप बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाता है तो उसके जस्ट बाद आपको सीटेट DPSC भी देना होगा। मान लो अगर किसी लोगों का इसमें नहीं होता है, ठीक है मान लो नहीं होता है, तो भी आपके पास D3SSB की वैकेंसीज रहेगी या फिर अदर स्टेट की जो भी वैकेंसीज आती है, बिकॉज सीटेट के ही तो बेस पे आप करोगे ना। और अगर आपका सीटेट ही नहीं क्लियर होता है, जैसे कि इस बार हुआ है बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट में फेल हो गए बट वो बीपीएससी में पास हो गए, अब बताइए उन्होंने बीपीएससी इतना पढ़ लिया कि वो सीटेट में फेल हो गए तो क्या मतलब है, वो सीधे बाहर हो गए है कि नहीं। बट अगर सीटेट पास होता तो कम से कम यहां से बाहर हो जाते बट आने वाली वैकेंसीज के लिए वो एलिजिबल होते। सेम वही रेशियो वही सब कुछ जो है सर्कुलेशन में रिपीट होगा, दोबारा से सीटेट पढ़ो दोबारा से बीपीएससी पढ़ो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। रही बात फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपका, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, एक महीने तक फॉर्म जो है भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है, आप भी जानते हो आपका ग्रेजुएशन के बेस पर अगर किसी ने डीलेट किया है तो वो भी लगाना होगा, और 10th 12th नाम वगैरह सही से भरना पहले ही बता देती हूँ क्योंकि सीटेट में नाम सही कराना बहुत मुश्किल होता है, लोग दोबारा से एग्जाम देते हैं केवल नाम को सही कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म सब कुछ सही से भरना, पहले जैसे गलती मत कर देना कि किसी और का DOB किसी और के नाम की स्पेलिंग। रही बात स्ट्रेटेजी की, आपको सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग से बताया है आपको कि सीटेट को तैयार करने के लिए आपको बहुत ही जो हवा बना रहता है कि बहुत टफ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जी नहीं, आपको सिंपली केवल और केवल NCERT फॉलो करनी है, क्योंकि सीटेट आप जानते हैं जिससे BSC के द्वारा पेपर कराया जाता है, और NCERT इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT के बाहर ये जाता ही नहीं है, 1x1 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी ऑनेस्टी से तो आपने देखा होगा NCERT के 1x1 से क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए हैं, और 6-8 में तो अगर आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपका SST सब्जेक्ट है या किसी का मैथ और साइंस है, तब तो ये आपके लिए मस्ट है कि आपको 6-8 की सोशल साइंस की और 6-8 की मैथ साइंस की बुक्स पढ़नी है, अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर आप डिपेंड हो जाएंगे किसी और पे कि कोई और आपको बना बनाया नोट्स दे दे तो आपकी किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब हम खुद से मेहनत करते हैं खुद से लिखते हैं तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, आधा काम वहीं पे हो जाता है। रही बात मैं आप सभी के लिए तो कर ही रही हूँ, अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है कि क्लासेस वगैरह सूट कर पाऊँ या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आफ्टर दशहरा मैं नवंबर से फिर से आपकी क्लासेस ले लूंगी, ठीक है दिवाली से पहले ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं या फिर शॉर्ट नोट्स, और हाँ शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको दूंगी ही बट मैं चाहूंगी कि आप भी खुद से तैयार करें। रही बात NCERT पढ़ लिया उसके बाद से दूसरा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट नहीं, कोई भी किसी का मॉडल टेस्ट नहीं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करना है क्योंकि आपने NCERT पढ़ ली है, अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, अब आपको उसको ब्रशन अप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 6-8 की NCERT पढ़ ली, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा, उसके लिए आपको PYQ करना है।
प्रीवियस पेपर वही करना जहां पे सही आंसर दिए हों। बहुत से ऐसे आपको बुक्स मिलेंगे जिसमें गलतियां भर भर के दे दी जाती है और स्टूडेंट्स उसी को गलती को सही मान के एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर टिक करके चला आता है, नंबर कट जाते हैं। इसीलिए आपको वही बुक्स लेनी है जिसमें गलतियां कम हो। और अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हो तो क्रॉस चेक किया करो कई बार, जब आपको डाउट लगे ज्यादा गलती हो तो प्लीज उस बुक को यूज ही मत करना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने भी एक बुक ली थी और उस बुक की वजह से मुझे समझ में आ गया था कि बुक एकदम बर्बाद हो चुका है, इसमें इतने गलत आंसर है कि अगर मैं इसको पढ़ लूं तो मैं फेल हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसको बंद कर दिया था, उस बुक से मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। मैंने दो ही चीजें फॉलो की है, एक अपने खुद के नोट्स, दूसरा PYQ, बस इतना ही। और हाँ, एक चीज और है, सही गाइडेंस सही स्ट्रेटेजी मैं टाइम टू टाइम देती जाऊंगी। कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ जो है टैग वर्ड्स होते हैं जो कि सीटेट में काम आएंगे, तो वो आपको एग्जाम के समय भी मिल जाएगा। रही बात, बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि बीएड डीलेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं सीटेट पेपर वन पेपर टू हर हाल में इस बार पास कर लेना, अदरवाइज टाइम टू टाइम आप देख सकते हो कि समय के साथ सीटेट का पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। तो नोटिफिकेशन एग्जाम डेट पे फोकस करने के बजाय आपको अपने प्रिपरेशन पे करना है कि आपने एनसीईआरटी कितनी तैयार की है। PYQ में अपने मार्क्स को एनालिसिस कीजिए। यस, अपने क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का तरीका है कि 150 क्वेश्चंस कर लिया, देखो कितने सही हो गए, कितने गलत हैं, कितना तुक्का मारा है, ठीक है। यस, तुक्का वाले को भी ध्यान देना है। अब उसके बाद से उस टॉपिक्स की पहचान कीजिए कि अच्छा ये टॉपिक आपसे गलत हो रहा है, उसको नोट कर लो, उसको अलग से पढ़ लो, बस यही करना है। एनालिसिस में आपको 1.5 आवर देने ही हैं, ये नहीं कि 150 क्वेश्चंस बस कर दिया उसके से बंद करके सो गए मोबाइल चला रहे, नहीं। PYQ के बाद से आपको अपना समय देना है, समय देने के बाद से जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको नोट कीजिए, उसको पढ़िए, आपके धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ाने का यही एक तरीका है और कोई रामबाण तरीका नहीं है, जादू नहीं होगा खुद से, क्योंकि आपकी गलती आपको पता है, किसी और को नहीं पता है ना कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो क्या चीज नहीं पढ़ रहे हो। इसीलिए तो बेसिकली सीटेट देखिए 90 नंबर लेकर आना है, 90 नंबर लेकर आओ किसी भी कैटेगरी से हो, ये टेंशन ही नहीं रहेगा कि अदर स्टेट के लिए कितना नंबर चाहिए, खुद के स्टेट के लिए। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि अदर स्टेट के लिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए और अपने स्टेट के लिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि टारगेट आप 130 का रखो। मान लो 130 नहीं आता है, अगर 90 भी आ जाता है तो भी आप सेफ हो ना, आप अपने भी स्टेट में सेफ हो, दूसरे स्टेट में भी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, मेल फीमेल दोनों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। याद रखिएगा सीटेट को क्लियर करना है इस बार हर हाल में, क्योंकि सामने बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।